डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मराठा सम्राट शिवाजी को, और इनको याद करते हुए कवि भूषण जी इन पे कई सारी कविताएं लिखे हैं। तो महान कवि श्री भूषण जी को कहाँ से ऐसी प्रेरणा मिली कि उन्हें लगा कि नहीं, शिवाजी पे कविताएं लिखनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में ऐसा कुछ दिया हुआ है। यह चैप्टर 7 और ये क्लास 5 का हिंदी बुक है। महाकवि भूषण, उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ के देखते हैं। हिंदी हमारी भाषा है। पिछले 1000 वर्षों से हिंदी भाषा बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बोली जाती है। इसके पहले की भाषा यानी हिंदी की माँ अपभ्रंश भाषा कहलाती थी। अपभ्रंश के पहले प्राकृत भाषा चलती थी और उसके पहले संस्कृत भाषा का प्रचलन था। तो हिंदी भाषा हम लोगों का अपना मातृभाषा है, इसको भारत में मातृभाषा का सम्मान दिया गया है, लेकिन ये सारे राज्यों में नहीं बोला जाता है। वैसे तो हिंदी पूरे हिंदुस्तान में बोला जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी लोगों को हिंदी बोलना या समझना मुश्किल होता है। और ये बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर भारत में हिंदी काफ़ी प्रचलन में है, वहाँ के लोग हिंदी जानते हैं, बोलते हैं। और यह अपभ्रंश भाषा है, इसका अर्थ है कि सबसे पहले जो है हिंदुस्तान में संस्कृत बोला जाता था। बहुत पहले से ही द्वापर युग में, त्रेता युग में संस्कृत बोलने का यहाँ प्रचलन था। अब उस वही भाषा जो है संस्कृत अपभ्रंश होते हुए, टूटते हुए, और ये बन गया हिंदी भाषा। इसमें हिंदी में कई भाषाएं मिक्स है, इंग्लिश है, फारसी है, उर्दू है, इस तरह का कई भाषाएं हैं। तो संस्कृत से ही टूटकर यह बना है। यह करीबन हिंदुस्तान में 1000 वर्षों से बोली जाती है। जब हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश हो रहा था, उस समय पश्चिम से तुर्कों का आक्रमण भारत पर हो रहा था, युद्ध चल रहा था। इस स्थिति में हिंदी के कवि अपनी कविता में युद्ध का योजपूर्ण वर्णन कर रहे थे। वैसे भी कहा जाता है जिस तरह का समय चलता है उसी तरह का सभी कार्य होता है। उस समय तुर्क लोग और कई लोग हिंदुस्तान पर आक्रमण किया करते थे, इसी का कारण है कि संस्कृत टूटकर जो है हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गया। तो उस समय आक्रमण कई बार हुआ करता था और अपने लैंग्वेज उन लोग बोला करते थे, इसके वजह से ये संस्कृत टूटकर हिंदी बना। और उस समय हिंदी के कई ऐसे कवि हैं जो युद्ध पे अपनी कविताएं लिखा करते थे। कुछ कवि भजन और उपदेश लिख रहे थे, कुछ कवि प्रेम और विवाह पर लेखनी चला रहे थे। इसी युग में वीर रस के कवि चंदवरदाई हुए, उन्होंने ही पृथ्वीराज रासो काव्य लिखा। इसमें पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के युद्ध का वर्णन है। तो चंद्रवरदाय पृथ्वीराज चौहान के राज दरबार का कवि थे, इसीलिए उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। इसके अलावा पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच जो युद्ध हुआ था उसका भी वर्णन किए हैं वो, और वो पृथ्वीराज के एक अच्छे मित्र भी थे। भारत के राजे महाराजे हार गए थे, स्वराज नष्ट हो गया था, विद्यालय, पुस्तकालय और मंदिर नष्ट हो गए थे। इसी युग में भक्ति की कविता लिखने वाले कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई का आगमन हुआ। उसी समय जब हिंदुस्तान टुकड़ों में बढ़ते जा रहा था और कई विदेशी ताकत आकर हिंदुस्तान पे राज करते थे, उसी समय की बात है कि भक्ति पे कविता लिखने वाले कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास का आगमन हुआ था। मीराबाई भी श्री कृष्ण पे अपनी रचना लिखा करती थी। इसके आगे इन भक्त कवियों ने हिंदी में राम और कृष्ण की भक्ति का काव्य लिखा। तुलसीदास का रामचरितमानस प्रसिद्ध काव्य है। भक्ति रस के कवि जो थे वो श्री कृष्ण या राम पे अपनी कविताएं लिखा करते थे, जिसमें से तुलसीदास रामचरितमानस का रचना किए हैं। हम सभी पराजय और पराधीनता की हालत में कबीर, नानक, सूर, तुलसी और मीरा की कविता का गुनगुना कर राम और कृष्ण का स्मरण करते थे। मुगल राज के बदले राम राज की कामना करते थे। अब उसकी कविताएं, कृष्ण की और राम की कविताएं सिर्फ पढ़ने से उनका राज तो आ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग उनकी कविताओं को गुनगुनाते थे और ऐसी इच्छा करते थे कि फिर से राम राज आ जाए, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। इस भक्ति काव्य से सारे देश में नव जागरण आया। देश के वीर स्वराज के लिए संघर्ष करने लगे। पंजाब, मेवाड़, बुंदेलखंड, मथुरा और महाराष्ट्र में हमारे वीर युद्ध के लिए निकल पड़े। इसलिए कुछ कवियों ने वीर काव्य लिखा, अधिकतर तो राज्यसभाओं में पड़े हुए थे। इन कुछ कवियों में एक कवि भूषण थे। उस समय जो भक्ति रस के कविताएं लिखे गए तो उसको पढ़कर कई सारे लोगों के मन में यह भावना आया कि नहीं, अपने देश में रामराज होना चाहिए, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष करने के लिए निकल गए। पंजाब, मेवाड़, बुंदेलखंड, इन सारे जगहों से कई सारे लोग निकले युद्ध के लिए। समय के साथ कवियों ने भी अपना सोच बदला, अपनी कविताएं बदली और वीर रस पे अपनी कविताएं लिखने लगे। तो वीर रस की कविताओं को पढ़कर कई सारे लोगों में उस तरह का जुनून पैदा हो गया और वे देश के लिए लड़ने लगे, युद्ध करने लगे। और ज़्यादातर कवि जो थे वो राजाओं के दरबार में रहते थे, तो उसमें कवि भूषण जो थे वो राज दरबार में रहना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो राज दरबार में नहीं थे।
कवि भूषण कानपुर के थे, त्रिविक्रमपुर गांव के थे। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। ये चार भाई थे। इनका असली नाम भूषण नहीं था, शायद मणिराम था। इन भाइयों के नाम थे चिंतामणि, मतीराम और जटाशंकर। अब यहाँ पे थोड़ा सा कवि भूषण के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि वे कानपुर के त्रिविक्रम गांव के रहने वाले थे। इनके पापा का नाम जो है रत्नाकर त्रिपाठी था और ये चार भाई थे। तो शायद मणिराम इनका नाम था, तो इनका नाम बाद में चेंज हो जाता है। और इनके भाई जो थे चिंतामणि, मतीराम, जटाशंकर, इनके भाई थे। पर मणिराम तो विशेष प्रकार के कवि थे, साधारण नहीं थे, वे स्वाभिमानी थे, ये देशभक्त थे। ये किसी बादशाह या बादशाह के अधीन राजा के यहाँ जाना नहीं चाहते थे। उस समय ज़्यादातर कवि राज दरबार में रहा करते थे, लेकिन कवि भूषण ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वे एक सच्चे देशभक्त थे। ये उनकी प्रशंसा की कविता लिखकर पुरस्कार पाना नहीं चाहते थे। तो ज़्यादातर कवि क्या करते थे, राजाओं के बारे में, उनकी प्रशंसा के बारे में उनका गुणगान किया करते थे और वैसे कविता लिखा करते थे, जिसके कारण राजा खुश होकर उन लोगों को पुरस्कार दिया करता था। वे किसी देशभक्त और स्वाभिमानी वीर को खोज रहे थे। गांव में घर पर रहकर अपने देश की हालत पर सोचते थे। मुगलों के शासन और राजाओं की गुलामी देखकर दुखी थे, दरबारी कवियों से चिढ़ते थे, कुछ कमा नहीं रहे थे, बेकार बैठे थे। वे जिस चीज़ को खोज रहे थे एक्चुअली में उनको मिल नहीं रहा था। वो एक सच्चे देशभक्त को, स्वाभिमानी वीर को खोज रहे थे जो उनकी नज़र में नहीं पड़ रहा था। इसीलिए वे कहीं पर इधर उधर काम नहीं कर रहे थे, राजाओं के पास तो जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वैसे कवियों से वो खुद चिढ़ते थे, तो फिर वैसी जगह वो कैसे काम करेंगे। इसीलिए वे कुछ काम नहीं कर रहे थे, उस समय बेरोजगार थे। एक दिन उनकी भाभी बोल उठी, कुछ कमा कर लाइए, तब नमक की मात्रा दाल भाजी में ठीक रहेगी। यह वाक उन्हें चुभ गया। अक्सर घर में ऐसा होता ही है, जो व्यक्ति कुछ कमाता नहीं है उसको लोग, घर के ही लोग ताना मारते रहते हैं। तो उनके स्वाभिमान को चोट लगी, तो उन पर भी ताना कसा गया, तो उनको बुरा लगा। वे घर पर ठहर नहीं सके, पर वे कहाँ जाएँ, वे सबके द्वार पर तो जा नहीं सकते थे। वे एक ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति थे कि वे किसी के यहाँ चले जाएँ ऐसा उनके लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी वो घर पे रुके नहीं। उन्हें पता चला कि विंध्याचल के पार, नर्मदा नदी के पार महाराष्ट्र में शिवाजी अलख जगा रहे हैं, स्वराज्य के लिए संकल्प ले चुके हैं, वे किले पर किले जीत रहे हैं। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बादशाह उनकी भवानी तलवार से टकरा कर पीछे हट रहे हैं। वे नदी नाला और पहाड़ जंगल को पार करते हुए चल पड़े। अब ऐसे व्यक्ति को खोजने वाले, ऐसा होता है कि आप जब किसी चीज़ को सच्चे हृदय से खोजते हैं तो वो आपको मिल ही जाता है। तो उसी तरह का वो एक सच्चे देशभक्त थे और सच्चे देशभक्त की तलाश कर रहे थे, वैसे वीर की तलाश कर रहे थे, और उनको ऐसा वीर मिल गया। शिवाजी के रूप में उनको ऐसा वीर मिल गया और वे उनको देखें कि वे विंध्याचल पार करके, विंध्याचल एक पहाड़ है, वहाँ पार करके, नदी पार करके और अलख जगा रहे हैं, मतलब लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपने देश के प्रति लड़ने के लिए। वे अपने देश को, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और कई ऐसे राजा जो हैं जो मुगलों के अधीन थे, उन राजाओं को जीत रहे हैं, उनको यह बतला रहे हैं कि उनके अधीन नहीं रहना। इस तरह से जब ऐसे व्यक्ति को वो देखे तो फिर क्या हुआ, वे नदी नाला पहाड़ जंगल को पार करते हुए चल पड़े। उनकी कविता से प्रसन्न होकर चित्रकूट के राजा रुद्र ने उन्हें कवि भूषण की उपाधि दे दी। तो उन पे जो है वो कविता लिखने लगे। तो उन पे जो कविता लिखे, तो चित्रकूट के राजा उनके कविता को जब पढ़े, देखे, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्रभावित हुए। तो मणिराम को भूषण, भूषण मतलब होता है आभूषण, जिस जो शोभा बढ़ाता है, सजावट का काम आता है इस तरह का, तो उनको भूषण नाम दे दिए वो। और उसी समय से उनका नाम भूषण पड़ गया, लोग उनका असली नाम भूल गए, मणिराम उनका नाम जो था वो तो भूल गए, उनका नाम भूषण ही रह गया, वे भूषण कराने लगे। वे शिवाजी के पास पहुँच गए, कहाँ कानपुर और कहाँ पूना। उस युग में रेलगाड़ी और बस नहीं थे, लोग पैदल ही चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, घोड़ों पर सवारी करते थे, पर भूषण को कोई बाधा नहीं रोक सकी। जब आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो फिर गाड़ी चल रही है नहीं चल रही आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब जाना है तो फिर जाना है। इसी तरह का कवि भूषण जो मन में ठान लिए कि नहीं हमें वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि शिवाजी उनके नायक थे, उन्हीं पे तो वे कविता लिखते थे, तो इसीलिए गाड़ी चल रही है नहीं चल रही है उसको देखने नहीं गए, वे जो है बस वो चलते रहे और कैसे पहुँच गए उनको भी पता नहीं चला, तो वहाँ तक वो पहुँच गए। जैसे तुलसी ने राम को अपने जीवन और काइब का नायक माना, इसी तरह भूषण ने वीर शिवाजी को अपना नायक माना। तुलसीदास श्री राम पे कविताएं लिखते थे, उनको अपने जीवन का आदर्श मानते थे, तो इसी तरह का कवि भूषण शिवाजी को अपने नायक, अपने आदर्श मानते थे और उन्हीं पे वे कविताएं लिखते थे। शिवाजी की वीरता को लेकर उन्होंने काव्य रचना आरंभ की। शिवाजी ऐसे वीर थे कि उन पे लिखा जा सकता है, वे मराठा साम्राज्य के नींव
रखे थे और मुगलों से लगातार लड़ते रहे। कभी मुगलों की गुलामी उन्होंने उनके अधीन नहीं हुए, उनके गुलामी को स्वीकार नहीं किए। शिवराज भूषण और शिवा बावनी नामक दो काव्य शिवाजी के महान चरित्र पर उन्होंने लिखे। तो शिवराज भूषण और शिवा बावनी ऐसे दो काव्य हैं, महान काव्य हैं, जो उनके चरित्र पर लिखा गया है। इसके आगे है, उसी युग में एक और वीर स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहा था। वे बुंदेलखंड के छत्रसाल के पास भी आए। उसी समय जब शिवाजी अपने देश के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो सभी राजा ऐसे नहीं थे कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं थी। तो उसमें से एक बुंदेलखंड के छत्रसाल राजा थे, जो वे भी संघर्ष कर रहे थे स्वराज के लिए। तो उस समय भूषण उनके पास भी पहुंच गए, बुंदेलखंड के छत्रसाल के पास पहुंच गए और वे अपनी कविता से छत्रसाल के वीर भाव को तेजस्वी बनाया। और कवि भूषण ने उनके ऊपर भी वीर रस की कविताएं लिखे, अथक संघर्ष की प्रेरणा दी। छत्रसाल ने तो इस कवि को बहुत आदर दिया, तो उनके कविता को पढ़कर छत्रसाल जो राजा थे वे बहुत ही उनको सम्मान दिए। उन्होंने कवि की पालकी को कंधा लगा दिया था, तो इतने सम्मान, मतलब उनके हृदय में उनके प्रति इतना सम्मान बढ़ गया कि वे कहीं भी पालकी से ले जाया करते थे, तो जो और लोग मजदूर लोग थे वो लोग पालकी ढोया करते थे, तो उनके जगह पे राजा छत्रसाल जो थे वे पालकी पे अपने कंधा लगा दिए। जब राजा छत्रसाल उनके पालकी को कंधा लगा दिए, तो कवि भूषण जी कहते हैं, शिवा को बखानों की बखानों छत्रसाल को। कह रहे हैं कि शिवाजी की प्रशंसा हम करें या छत्रसाल की प्रशंसा करें। तो छत्रसाल पर लिखा हुआ काव्य छत्रसाल दशक कहलाता है। तो छत्रसाल पे भी उन्होंने काव्य लिखा है और जिसका नाम है छत्रसाल दशक। इन तीन काव्य ग्रंथों से ये प्रसिद्ध हो गए, ये वीर रस के देशभक्त कवि थे, इसलिए आधुनिक युग में भी हम इन्हें याद करते हैं, सारा देश याद करता है। हिंदी और मराठी के विद्वान इन्हें मान सम्मान देते हैं। तो मराठी विद्वान इनको सम्मान देते हैं, इसके पीछे कारण है कि शिवाजी पे ये लिखते थे और शिवाजी स्वयं मराठा थे। और हिंदी के विद्वान सम्मान देते हैं क्योंकि ये हिंदी में अपनी रचनाएं किया करते थे और इन्होंने हिंदी का मान सम्मान बढ़ाया, तो इसीलिए इन दोनों भाषाओं के विद्वान इनको मान सम्मान देते हैं। और इन्होंने जो कविताएं लिखे और काव्य ग्रंथों की रचना की, तो इससे यह पता चलता है कि वे वीर रस के देशभक्त कवि थे, वे देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसीलिए हम आज के युग में उनको याद कर रहे हैं और आने वाले समय में हम याद करते रहेंगे। इन्हीं के समय में पंजाब में गुरु गोविंद सिंह हुए, उन्होंने कलम और तलवार दोनों को संभाला था। गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर आप लोग पढ़े होंगे, तो वे अपने धर्म की रक्षा के लिए, वे अपने जितने भी शिष्य थे उनको तलवार चलाने के लिए, युद्ध कला सीखने के लिए प्रेरित किए और वे सिखा रहे थे युद्ध कला। वे ब्रज भाषा हिंदी में कविता लिखकर सब में भक्ति और शक्ति का संचार करते थे और कृपाण के द्वारा मुगलों से युद्ध करते थे। उस समय मुगल राज चलता था और मुगल सभी राजाओं को अपने अधीन किए हुए थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह उनके अधीन नहीं थे और उनसे लगातार वो युद्ध करते रहे। देश के लिए वे भी अपने भाषा में, ब्रज भाषा में कविताएं लिखे। वे अपनी कविता से सबके अंदर शक्ति का संचार किए और युद्ध कला में भी उनको निपुण किए, इसलिए कवि सरस्वती का वरद पुत्र कहलाता है। वरद पुत्र का अर्थ है माता सरस्वती के साधक, क्योंकि उन्हीं से उनको ज्ञान प्राप्त होता है। देवी सरस्वती जो है ज्ञान की देवी है, और एक कवि का सबसे बड़ी संपत्ति होता है उसका शब्द, उसके पास जो शब्द भंडार होता है वही उसका संपत्ति होता है। तो कवि का वरद पुत्र का अर्थ है उनके साधक होता है, तो इसीलिए कहा गया है कि कवि जो होता है वो माता सरस्वती का वरद पुत्र होता है, उसका साधक होता है। भूषण तो हिंदी के भूषण है, इस लाइन का अर्थ है कि कवि भूषण हिंदी भाषा के आभूषण है, इस भाषा का शोभा बढ़ा रहे हैं और हिंदी का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, इसीलिए कहा गया है भूषण तो हिंदी के भूषण है। और यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पे नंबर 1 में पढ़ें और समझें, यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है। कभी भी ये समझने की भूल न करें कि हिंदी आसान होता है, वैसा कभी ना समझें। हिंदी लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है और उसका अगर शब्दार्थ लिखने के लिए दिया जाए तो उसमें भी काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए आप इसको शब्दार्थ को जरूर एक दो बार पढ़ लें, संभव हो तो इसको याद भी कर लें। और 2 नंबर में निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय करें, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग बतलाने के लिए कहा गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 में सोचें और बताएं, ये इस चैप्टर का मेन क्वेश्चंस है। तो आइए मैं आप लोगों को इन सब का आंसर बना के देता हूँ। ये है चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय करें, मतलब यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है उसको स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ये बतलाना है, तो यहाँ पे सभी शब्दों का स्त्रीलिंग पुल्लिंग बतला दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 5 सोचें और बताएं, यह इसका क्वेश्चन आंसर है। हिंदी क्या है, यह कब से बोली जा रही है? हिंदी हमारी मातृभाषा है, यह पिछले 1000 वर्षों से बोली जा रही है। चंद वरदाई ने क्या लिखा,
चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो काव्य लिखा है? तुलसीदास ने क्या लिखा? तुलसीदास ने रामचरितमानस प्रसिद्ध काव्य लिखा है। भूषण कहाँ के रहने वाले थे? कवि भूषण कानपुर के रहने वाले थे। मणिराम को भूषण की उपाधि किसने दी? मणिराम को भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्र ने दी। इन्होंने शिवाजी पर कौन कौन ग्रंथ लिखा? इन्होंने शिवाजी पर शिवराज भूषण और शिवावावनी नामक ग्रंथ लिखा। भूषण तो हिंदी के भूषण है, इसका क्या अर्थ है? भूषण तो हिंदी के भूषण है, इसका अर्थ है कि कवि भूषण हिंदी के आभूषण है। इन्होंने हिंदी को शोभायमान किया है, इसका मान बढ़ाया है। यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।